नवयुग ज्योतिष चैनल की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोचर के बारे में बताऊंगा। गोचर, ट्रांजिट, ग्रहों का भ्रमण। हमारी कुंडली में जब भी अच्छे अच्छे योग बनते हैं, योगों का फल हमें गोचर में ही मिलता है। दशा और गोचर, इनका आपस में समन्वय होना चाहिए। गोचर क्या है? ग्रहों का भ्रमण, आकाश में भ्रमण करते हुए ग्रह गोचर करते समय हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं। गोचर के लिए हमें सबसे पहले चंद्र कुंडली बनानी पड़ती है। चंद्र कुंडली के अनुसार ही हमें ग्रह गोचर में शुभ या अशुभ फल देते हैं। जैसे सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तृतीय, षष्टम, दशम व एकादश भावों में शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर करते समय चंद्रमा प्रथम, तृतीय, षष्टम, सप्तम, दशम व एकादश भावों में हमेशा शुभ फल देते हैं। चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर करते समय चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में बहुत अशुभ फल देते हैं। मंगल जन्मकालीन चंद्रमा से मंगल तृतीय, षष्टम, एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करता है। ये तीनों त्रिशदायी भाव होते हैं। इसी प्रकार शनि भी त्रिशदायी भावों में शुभ फल प्रदान करता है। इसके पश्चात बुध जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, दशम व एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति नैसर्गिक सबसे अधिक शुभ ग्रह, जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम व एकादश भाव में सदा शुभ फल देता है। इसके पश्चात है शुक्र। शुक्र गोचर में सबसे अधिक नौ भावों में शुभ फल प्रदान करता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम व एकादश व द्वादश भावों में, नौ भावों में एक साथ वो शुभ फल प्रदान करता है। केवल अशुभ फल वो गोचर में षष्टम, सप्तम और दशम भाव में ही फल देता है। शनि आपको बता दिया है पहले, त्रिशदायी भावों में फल शुभ देता है। तीन, छः और ग्यारह, तृतीय, षष्टम और एकादश भाव में शुभ फल देता है। राहु व केतु सूर्य के समान तृतीय, षष्टम, दशम और एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रह गोचर में चंद्रमा से जब भी एकादश भाव में प्रवेश करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते समय हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। वह अधिकांश ग्रह अष्टम भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। केवल एक शुक्र ग्रह ऐसा है जो जन्मकालीन चंद्रमा से द्वादश भाव में भी शुभ फल प्रदान करता है।